गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू TSN स्कूल। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 6 एंड द टॉपिक इज टुडे एनिमल टिश्यू। द एपिथेलियल टिश्यू आई वर ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माय प्रीवियस वीडियो। नाउ गोइंग टू स्टार्ट। फर्स्ट आई एम सीइंग हियर द स्लाइड ऑफ द टाइप्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज। द डिफरेंट एपिथेलियल शो डिफरेंट स्ट्रक्चर एज दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। द टाइप्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज आर स्क्विमस, क्यूबॉइड, क्लोमिनल एंड द स्ट्राइटेड। फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड द सेकेंड इज लोकेशन इन द बॉडी एंड द थर्ड इज फंक्शन। द फर्स्ट इज स्ट्रक्चर, देन सेल्स आर थिन, फ्लैट एंड द इररेगुलर सेल्स। लोकेशन इज की इन ओसोफेगस एंड द फंक्शन इज प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग टिश्यूज फ्रॉम इंजरी जर्म्स। नेक्स्ट, सेल्स आर क्यूबॉइडल विथ राउंड न्यूक्लियस इन सेंटर। जो न्यूक्लियस होता है बेटे, इसमें सेंटर के अंदर पाया जाता है। एंड कहाँ है ये बॉडी के अंदर, किस कौन सा पार्ट बनता है इस वाले सेल से? किडनी एंड डक्ट ऑफ सलाइरी ग्लैंड्स। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, गिव मैकेनिकल सपोर्ट। ये क्या देते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं इस पार्ट को। नेक्स्ट है आपका, सेल्स आर मूव टॉल एंड द लेस वाइड एज अ लाइक अ पिलर लाइक। जो इसकी सेल होती हैं इस पार्ट की, वो कैसी होती हैं? पिलर लाइक होती हैं। एंड इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, कहाँ पर पाए जाते हैं ये? मेन हमारे इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का जो आंतरिक पार्ट जो होता है वो इस सेल्स का बना हुआ होता है। एंड द वर्क इज हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड द एक्सक्रेशन एंड द सिक्रेशन। ये 3 वर्क जो हैं इसके अंदर, ये सेल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं, अपना वर्क कंप्लीट करते हैं। लास्ट पार्ट के अंदर है कि जो स्ट्रक्चर है वो स्क्विमस फ्लैट सेल्स का बने हुए होते हैं। ये अरेंज इन मैनी लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स के अंदर ये अरेंज होते हैं। देन लोकेशन कहाँ पे है इसकी? स्किन, ओसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ माउथ, मुंह के आंतरिक भाग के अंदर। एंड वर्क क्या है इसका? प्रोटेक्शन एंड द प्रिवेंट वेयर। तो इस तरीके से हमने डिटेल स्टडी करा है डिफरेंट एपिथेलियल टिश्यूज का। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट वेरियस टिश्यू टुगेदर इन एनी ऑर्गन, मोस्ट एविडेंट अमंग ऑल एनिमल टिश्यूज। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट? बाइंडिंग, सपोर्टिंग एंड द पैकिंग ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स? फ्यू सेल लूजली पैकेज एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस फिल्ड विद जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। तो इसकी मेन कैरेक्टर क्या है बेटा? ये ओके, फ्यू सेल्स लूजली पैकेज एंड द लार्जर इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड फिल्ड विद द जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। ओके, एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर ब्लड, बोन, कार्टिलेज एंड एडिपोज टिश्यू, लिगमेंटल टेंडन्स एंड द एरोलर टिश्यूज। तो ये हमारे मेन पार्ट हैं, और जो क्वेश्चंस मेनली यहाँ से पुटअप होता है वो ब्लड, बोन, कार्टिलेज से पुटअप होता है। तो आप इनकी अच्छे से स्टडी कर लें इसको। फर्स्टली दिया है ब्लड हैज़ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा विच हैज़ अ प्रोटीन, सॉल्ट एंड द हार्मोन्स इन विच द RBC, WBC, प्लेटलेट्स आर लाइंग। इट ट्रांसपोर्ट्स गैसेस, फूड, हार्मोन्स एंड द वेस्ट टू पार्ट ऑफ बॉडी। तो ब्लड का जो वर्क है वो क्या है वो इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास में बोन फॉर्म्स स्क्लेटन एंड द सपोर्ट बॉडी। वी नो वेरी वेल बोन का क्या वर्क होता है बेटा? ये हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क तैयार करती है, ये हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क तैयार करती है, बॉडी को सपोर्ट देती है, ठीक है। एंड इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड द नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, यहाँ से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि जो बोन है वो कैसे होते हैं बेटे? नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यूज होते हैं ये। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कार्टिलेज, इन कार्टिलेज हार्ड इलास्टिक टिश्यूज सॉफ्टर देन बोन। कार्टिलेज कैसे होते हैं? ये बोन से थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। मैट्रिक्स इज सॉलिड बट इलास्टिक ड्यू टू अ प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड द
keratin, which is why we can bend a cartilage but not the bone. इसमें क्या होता है बेटे कि जो मैट्रिक्स है वो पाया जाता है किसमें, कार्टिलेज में, और बोन के अंदर वो बहुत सॉलिड है. हम बोन्स को मोड़ नहीं सकते, फ्लैक्सिबल नहीं है, ईजिली फ्लैक्सिबल नहीं है, जबकि कार्टिलेज जो होता है वो फ्लैक्सिबल होता है. तो ये यहाँ से 3 मेन क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं आपके. नेक्स्ट है यहाँ पर मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पुटअप होता है. राइट द डिफरेंस इन बिटवीन टाइप्स ऑफ द मस्कुलर टिश्यूज. देन फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी ऑफ द मस्कुलर टिश्यू. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इट? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन द बॉडी. एंड द कैरेक्टरिस्टिक सेल्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू आर लॉन्ग एंड कॉल्ड द मसल्स फाइबर्स. मसल्स हैव स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड अ कंट्रोलाइन प्रोटीन विच कंट्रैक्ट एंड द रिलैक्स टू ब्रिंग मूवमेंट. क्या करते हैं, इसके अंदर एक विशेष तरह का प्रोटीन पाया जाता है जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, आपस में कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो पाती हैं ये मसल्स. ओके, सेल्स ऑफ द मस्कुलर टिश्यू आर लॉन्ग. और कैसी होती हैं ये टिश्यूज जो हैं वो लॉन्ग होते हैं, जिन्हें कि मस्कुलर फाइबर्स भी कहा जाता है. ओके, इसके बाद में है हमारे पास में कि कौन कौन से होते हैं ये. तो देखिए हमारे पास में 3 टाइप्स आपको दिया हुआ है, स्ट्रीटेड, अनस्ट्रीटेड एंड द कार्डियक. ये जो तीनों पिक्चर्स हैं बेटा, जो 3 डायग्राम्स आपको यहाँ पे शो किए गए हैं, दे 3 डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपके बैक एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चन है कि ड्रॉ दिस डायग्राम. तो यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें क्या क्या है, ये जो न्यूक्लियस वाला जो पार्ट है उसका ध्यान रखना है आपको कि न्यूक्लियस कहाँ पर पाया जा रहा है. ओके, तो जब ड्रॉ करें आप तो उसका ध्यान रखें. नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ द मस्कुलर टिश्यूज. ये कौन कौन से होते हैं, इससे रिलेटेड 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप हो रहा है हमारे पास में. तो इसकी डिटेल स्टडी कर रहे हैं हम लोग. फर्स्ट है हमारे पास स्ट्रीटेड, देन सेकेंड इज नॉन स्ट्रीटेड एंड द थर्ड इज़ द कार्डियक मसल्स फाइबर. देन फर्स्ट कॉल द स्ट्राइप्ड एंड द स्ट्रीटेड मसल्स एज दे हैव अ लाइट एंड अ डार्क बैंड्स ऑन अ स्ट्रीशंस. कॉल वॉल्यूमेंट्री मसल्स एज दे मूव एज पर अ विल. कॉल स्क्लेटल मसल्स एंड अटैच टू ऑल बोन्स एंड हेल्प इन मूवमेंट. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसको हम नॉन स्ट्रीटेड भी कहते हैं, यानी कि ये स्ट्रीटेड नहीं है. तो इसके लिए हम क्या स्टडी कर रहे हैं इसमें कि डू नॉट शो लाइट एंड डार्क बैंड्स. इसके अंदर कोई लाइट या डार्क बैंड शो नहीं होते. देखिए इसके अंदर डार्क बैंड शो हो रहे हैं बेटे, लाइट एंड डार्क बैंड शो हो रहे हैं, और इसके अंदर इस तरीके से शो नहीं होते हैं. एंड कॉल्ड द इनवॉलंटरी एज दे डू नॉट मूव एज पर अ विल. ठीक है, इसके लिए क्या है, ये इसमें और इसमें, फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर क्या मेन डिफरेंस है कि ये जो मूवमेंट है वो हमारी इच्छा पे निर्भर करता है. हम चाहें तो हम हमारे हाथ को हिलाएं, हम चाहें तो हम ना हिलाएं, लेकिन यहाँ पर जो होगा इसके अंदर चाहे हमारा हमारी इच्छा ना भी हो तो भी ये जो वर्क है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है. दोनों के अंदर क्या स्ट्रक्चर क्या है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप्ड अनब्रांच. एंड जो सेल्स हैं वो कैसी होती हैं, अनब्रांच होती हैं. एंड द मल्टी न्यूक्लेटेड, ये कैसे होती हैं, ये जो सेल्स होती हैं मल्टी न्यूक्लेटेड होती हैं, यानी इसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है. एंड द थर्ड इज फाइबर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ द बंडल्स. फाइबर्स जो हैं इसके, मसल फाइबर जो हैं वो एक बंडल के जैसे अरेंज रहते हैं. एंड हैव डार्क एंड लाइट बैंड्स, और इसमें डार्क और लाइट बैंड्स पाया जाता है. नाउ नेक्स्ट, सेकेंड टाइप की क्या स्ट्रक्चर है, इज अ स्पाइंडल शेप सेल्स एंड द यूनिन्यूक्लेटेड. कैसी होती हैं ये, यूनिन्यूक्लेटेड होती हैं, दैट मीन्स कि इनमें केवल एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा. फाइबर्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ द शीट्स. फाइबर कैसे अरेंज हो रहे हैं बेटे, शीट के अकॉर्डिंग अरेंज हो रहे हैं, शीट के जैसे अकॉर्डिंग स्प्रेड हो रहे हैं ये. नेक्स्ट है हमारे पास डार्क एंड द लाइट बैंड एब्सेंट. इसके अंदर कोई डार्क या लाइट बैंड जो है वो नहीं पाया जाता. एंड फर्स्ट टाइप की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, देखिए आप टंग बताया है, टंग में, फेस पे, तो इस टाइप की सेल्स वहाँ पर पाए जाते हैं. इस टाइप के जो मसल्स हैं, मसल टिश्यूज जो हैं वो वहाँ पर पाए जाते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट का लोकेशन क्या है बेटा,
ये बता रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर और ब्लड वेसल्स जो हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल्स की जो वॉल्स जो होती हैं वो सेकेंड टाइप ऑफ मसल्स टिश्यूज से बनी होती हैं। वर्किंग देखिए, वर्किंग क्या दिया है आपको, कॉन्ट्रैक्ट क्विक बट कांट रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर अ लॉन्ग सो गेट टायर्ड। एंड सेकेंड पार्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट स्लोली बट कैन रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर लॉन्ग सो डोंट गेट टायर्ड। इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या होता है कि फटाफट संकुचन होता है, वो जो मैंने बताया था आपको कॉन्ट्रैक्ट का मतलब संकुचन होता है, और फिर रिलैक्सेशन भी हो जाता है। तो ये बार बार जो वर्क होता है ना उसकी वजह, और अचानक होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये टायर्ड हो जाता है। और उसकी और जो सेकेंड वाला जो है उसमें क्या होगा कि वो लॉन्ग टाइम तक वर्क करते रहते हैं। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आ रहा है हमारे पास में रिलेटेड टू द कार्डिक मसल्स। तो चलिए कार्डिक मसल की स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर इन बिटवीन स्ट्रेटेड एंड द नॉन स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर्स एंड आर द इनवॉलेंट्री। कैसा होता है बेटे ये, फर्स्ट तो ये कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इन दोनों के बीच का है, इसलिए पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट का स्टडी कराया, देन सेकंड पार्ट का। अब ये जो थर्ड पार्ट है वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स की दोनों की क्वालिटीज इसके अंदर पाई जाएंगी, ठीक है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो दोनों टाइप का, देखिए ये बिल्कुल, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट है और ये वाला जो है वो शीट की जैसा है, लेकिन इसके अंदर ये दोनों ही क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। और दूसरा ये हमारी इच्छा पे वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। सेकंड है स्ट्रक्चर कैसा है इसका, शॉर्ट सिलेंडर शेप्ड एंड द ब्रांच सेल यूनिन्यूक्लेटेड एंड द फाइबर्स अरेंज इन अ फॉर्म ऑफ द नेटवर्क। आया समझ में कि ये न्यूक्लियस तो इनमें एक पाया जाएगा, लेकिन ये कैसे फैले हुए हैं, शीट कैसे फैले हुए हैं, पूरा नेटवर्क जिस तरीके से फैलता है वैसे ये वर्क करते हैं। लोकेशन कहाँ है इसकी, नाम से पता चल रहा है कार्डियक मसल, तो ये कहाँ पाए जाएंगे, वॉल्स ऑफ हार्ट। नेक्स्ट वर्किंग क्या है इसका, कॉन्ट्रैक्ट क्विकली एंड द रिदमिकली देयरफॉर डू नॉट गेट टायर्ड। ये आपने प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं, ये जो हम लोग 10th क्लास के अंदर चैप्टर स्टडी करेंगे और प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी आपने हार्ट की स्टडी करी है, तो आपको पता है कि हार्ट जो होता है वो पंप करता है ना, तो ये जो पंप का जो वर्क है उसके अंदर क्या वो कभी थकता है, नहीं थकता है, वो कभी टायर्ड नहीं होता है। तो ये जो मसल्स हैं ये वर्क करती रहती हैं, क्विकली वर्क करती रहती हैं एंड डू नॉट गेट टायर्ड। ओके नाउ नेक्स्ट आ जाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटी हमारा, नर्वस टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी भी है आपके और ये 10th क्लास के अंदर भी कनेक्ट होगा। सेल्स ऑफ नर्व टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल एंड द न्यूरॉन्स। मेनी नर्व सेल्स आर बाउंड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू टू मेक अ नर्व। ये जो नर्व सेल्स जो होती हैं इन्हें हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है बेटा, ट्री के जैसा होता है ना। ट्री में क्या होता है, नीचे का पार्ट तो एक होता है लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो ब्रांचेस होती है ना ट्री की, तो ठीक वैसे ही नर्वस टिश्यू होते हैं। सेल्स ऑफ नर्व टिश्यूज आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। मैनी नर्व सेल्स आर बाउंड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू टू मेक अ नर्व। फंक्शन क्या है इसका, हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट हेल्प्स इन अ ट्रांसमिटेड स्टिमुलाई फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन द बॉडी एंड द कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। ये क्या वर्क करते हैं बेटे, स्टिमुलाइज का मतलब होता है उद्दीपन, है ना। मान लीजिए कि आपकी फिंगर पे सुई चुभ जाती है, या कोई किसी जगह पर हमारा पैर जो है स्मूथ सरफेस की जगह किसी रफ सरफेस पे हमारा पैर जाता है तो हमें वो फील होता है, या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम किचन में काम कर रहे थे और गलती से कुछ गर्म यूटेंसिल्स जो था हमारे पास, हॉट यूटेंसिल्स जो था उसके ऊपर सडनली हमारा हाथ लग जाता है, तो हम क्या करते हैं, फटाफट हमारा हाथ वहाँ से हटाते हैं, हमारा पैर वहाँ से हटाते हैं। तो ये क्या हुआ, ये उद्दीपन, वो जो जहाँ पर लगा है आपके वहाँ से आपके मेडुला ऑब्लिगेटा के अंदर ये सूचनाएं गई हैं, ये इन्फॉर्मेशन गया है और वो वहाँ से वापस से उन सेल्स को इन्फॉर्मेशन भेजता है कि आपको वहाँ से पैर हटाना है, ठीक है। तो ये जो स्टडी है ये ब्रीफ स्टडी 10th क्लास में आएगी, तब वहाँ पे और कंटिन्यू करेंगे हम इसे। नाउ नेक्स्ट डेज का लोकेशन क्या है, लोकेशन है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स आर मेड ऑफ द नर्व टिश्यू। हमारा ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स जो हैं वो नर्व टिश्यूज की बनी होती हैं। एंड द स्ट्रक्चर इट
its structures look like a tree with branches coming out of it. A neuron has three parts. Three parts होते हैं इसके, a star shaped, a single long part and the short branch part called the dendrites. तो इस तरीके से इसकी three parts हैं. उन आपके पास में यही question आ सकता है कि draw a well level diagram of a neuron and explain its structure. तो आपको वहाँ पर इसका structure इस तरीके से बनाना है और इसको इस तरीके से briefly explain भी करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं हम. टुडे योर चैप्टर नंबर 6 इज फिनिश टुडे. आई होप कि ऑल द टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे. थैंक यू वेरी मच.